नमस्ते, मेरा नाम है शिवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब कर लें। व्लॉगर नहीं हूँ बट माय फर्स्ट वीडियो हैपन्स टू बी अ व्लॉग। बहुत स्पेशल व्लॉग है। अभी रिसेंटली मेरा SSB हुआ, भोपाल सेंटर आया था, सो आई डिसाइडेड टू व्लॉग इट। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी फ्रॉम पैकिंग टू रीचिंग क्या क्या होता है स्क्रीनिंग में, आगे मेरा रिकमेंडेशन हुआ नहीं हुआ, आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, सब कुछ बहुत ध्यान से लेके जाना होता है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी लीनियंट नहीं होते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए आपको कॉल लेटर जो आएगा उसमें भी लिखा होता है कि आपको दो पैर लेके आने हैं फॉर्मल्स के, जिसमें आपके जो बॉटम्स होंगे वो डार्क कलर के हों और जो आपका शर्ट होगी, जो अपर जो होगा वो आपका लाइट कलर में होगा। सो इंटरव्यू के लिए होगा, स्क्रीनिंग के लिए और साइक टेस्ट के लिए। तो तीन आपके डेज होंगे जिन पे आपको फॉर्मल्स पहनने होंगे और उनका काम ये दो फॉर्मल पैर आपके कर देंगे। उसके अलावा आपका GTO होता है 2 दिन, तो उसके लिए आपको चाहिए ट्रैक सूट। अगर सर्दियों में है तो ट्रैक सूट ले लीजिए, गर्मियों में है तो जस्ट योर टी शर्ट एंड योर ट्राउजर्स, प्रेफरेबली वाइट। कॉल लेटर में भी लिखा रहता है कि वाइट लेना है और वहाँ पर आपको मिल जाएंगे कि जो वाइट नहीं पहनते हैं, लेकिन ट्राई कि आप वाइट ही लें क्योंकि कॉल लेटर में लिखा है अगर उसके बाद भी आप दूसरा कलर लेते हैं सो उससे इंप्रेशन जाता है दैट यू हैव अ टेंडेंसी टू ब्रेक रूल्स। आपको क्लियरली मेंशन किया गया है उसके बाद भी आपने कलर्ड लिया है तो एक इंप्रेशन जाता है, बैड इंप्रेशन। वहाँ पे शायद GTO आपको नहीं बोलेंगे कुछ, लेकिन इंप्रेशन पहुँच जाता है दैट आप रूल्स ब्रेक कर सकते हैं फ्यूचर में भी, इसलिए वाइट मिल जाता है। थोड़ा बहुत वाइट पर कुछ हो चलेगा बट प्रेफरेबली वाइट खरीदें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ड्रेसेज हो गए, आपका SSB में आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। सो आपकी नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप किस तरह से ड्रेस करते हैं, द वे यू ड्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसके लिए कपड़ों के साथ साथ योर शूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मल्स के लिए वाइट ब्लैक फॉर्मल्स आसानी से मिल जाते हैं, दीज आर यूनिसेक्स शूज़, लड़के लड़के दोनों के लिए मिल जाते हैं। आपका स्क्रीनिंग पे, साइक टेस्ट में और इंटरव्यू में आप ये शूज़ पहनेंगे। मेक श्योर जो सॉक्स होंगी डोंट टेक फ्लैशी कि आपने ब्लैक पैंट पहनी उस पर येलो या रेड आपने सॉक्स ले लिए हैं, सो ब्लैक सॉक्स रखिए कि आपका वो अटेंशन सीक ना करें आपकी सॉक्स। उसके बाद आपको GTO के लिए चाहिए वाइट स्पोर्ट्स शूज़, अगेन कॉल लेटर में लिखा रहता है प्रेफरेबली वाइट होने चाहिए। सो अगर वाइट ना मिलें, वैसे मिल जाते हैं बट अगर वाइट ना मिलें सो वाइट के आसपास का कोई भी कलर आप लें वो चल जाएगा, लेकिन वाइट ही लें। अगेन आपको ये नहीं दिखाना है कि आप रूल्स ब्रेक करते हैं या आप फॉलो नहीं करेंगे। इनफैक्ट वहाँ पर आप जो साइक टेस्ट होगा उसमें भी आपको जो शीट मिलती है उसमें कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है कि आपको वहाँ लिखना नहीं है। सो कभी भी कुछ बच्चे जल्दबाजी में लिख देते हैं लेकिन वहाँ लिखना नहीं होता है, उससे भी फिर एक ये इंप्रेशन जाता है कि आप रूल्स ब्रेक करते हैं। जब आपको क्लियरली मना किया गया वहाँ नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है। एंड आर्मी इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड ऑल दिस थिंग्स काउंट एज अ डिसिप्लिन, सो आपको ध्यान रखना है। और अपना जो भी आपका रोज कुछ सामान जो आपको रोज़ को चाहिए, लाइक स्लीपर्स, I don't know why I'm showing this but I found them really cute, really, so I'm showing those slippers। और वो कंपल्सरी नहीं है बट आपको लेके जानी है अपने लिए, सो वो रख लेंगे आप। और एक प्रो टिप देती हूँ पैकिंग के लिए, कभी भी पैकिंग, चाहे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या स्पेशली जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, SSB के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी पैकिंग 1 या 2 दिन पहले स्टार्ट ना करें। ऑलवेज स्टार्ट 1 हफ्ता पहले या 2-3 दिन 3-4 दिन पहले कम से कम, क्योंकि अगर आपने 1-2 दिन पहले शुरू करी है आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ भूल जाओगे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी भूल जाना, बैग भूल जाना पूरा, बट योर डॉक्यूमेंट्स, नेवर एवर फॉरगेट योर डॉक्यूमेंट्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल लीनियंट नहीं होते हैं, अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट कम मिला तो आपको अलाउ नहीं करेंगे। आप स्क्रीनिंग हो भी जाते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए कॉल लेटर 2-3 बार पढ़ लेना याद से। और उसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्कशीट सर्टिफिकेट सारे लेके जाने होते हैं। 12th का एक पासिंग सर्टिफिकेट होता है जो ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं होता है, तो उसके लिए डिजी लॉकर पे आप अपने आधार नंबर से लॉगिन करके अपना 12th का पासिंग सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ याद से निकाल लेना, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के पास नहीं था। ऐसी एक फ़ाइल ले लें जिससे आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बहुत सेफ़ रहते हैं, हैंडी होती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। सो बी ऑर्गेनाइज्ड ताकि वहाँ जाके आप ऑलरेडी नर्वस होंगे, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी गलत हुई तो आप बहुत ज़्यादा आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे जो ओरिजिनल्स हैं वो मैंने इस तरह फाइल में लगा दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सेफ रहते हैं, खोने का डर नहीं है। वहाँ पे याद से अपने डॉक्यूमेंट्स याद रखें। एक साइड मैंने अपने फोटोकॉपीज रखी, दूसरी साइड मैंने अपने ओरिजिनल्स रखे एंड नाउ आई एम डन विद माई डॉक्यूमेंट्स। उसको अब मैं
यहाँ पे रख देती हूँ। अब ये पूरे हो गए हैं एंड अब हम करेंगे पूरी पैकिंग। एंड देयर वी गो, डॉक्यूमेंट्स आर डन। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी भूल जाना अगेन, नॉट डॉक्यूमेंट्स। एंड वी आर डन विद द पैकिंग। सो आई एम रियली गुड विद द पैकिंग एंड ऑल्सो अनपैकिंग, मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो भी चीज़ वो सारे रख लेना, बट आई एम नॉट रियली गुड विद डूइंग थिंग्स विद माई वन हैंड क्लियरली। सो वी आर डन, पैकिंग इज़ डन। एंड येस, सो एक दिन पहले फिर से पूरा सामान क्रॉस चेक कर लेना कि सब कुछ रख लिया है, नहीं रखा है। वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं परेशान करनी चाहिए। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक छोटा सा लॉक ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपको जब लॉकर मिलता है अपना सामान रखने के लिए तो लॉक नहीं मिलेगा, तो अपने लॉक को घर से लेके जाएं, आप छोटा सा लॉक चाहिएगा। एंड हियर वी आर, दिस इज़ द डी डे, दिस इज़ व्हाट वी आर वेयरिंग। एंड माय टी शर्ट सेज एडवेंचर अवेट्स, कम्प्लीटली मैचिंग द वाइब, बट वी गॉट टू गो, नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी एंड आई डोंट वॉन्ट एनी एडवेंचर ऑफ दैट सॉर्ट। सो वी आर गुड टू गो, सी यू इन द भोपाल। एंड हियर वी आर, द स्क्रीनिंग डे, आई एम ऑल सेट टू गो, 6 बजे रिपोर्ट करना था एंड हियर वी आर बिफोर टाइम। सो यहाँ पे हमने रिपोर्ट किया, बहुत लंबी लाइन लगी थी, और फिर यहाँ से हमको ले जाया गया टू द सेंटर बस के थ्रू। तो जो भी पेरेंट्स थे, जिनके साथ जो भी आए थे, यहाँ पे छोड़ के, एंड उसके बाद हम यहाँ से गए थे बस से, हमको सेंटर पे ले जाया गया। आई थिंक अराउंड 150 लोगों ने रिपोर्ट किया था। एंड दिस इज़ द बस, दिस इज़ द वे, और यहाँ से अब हम पहुँचेंगे सेंटर। दिस इज़ दी SSB भोपाल। सी यू गाइज, जो भी लोग जाने वाले हैं देख लो, वेरी ह्यूज ऑफकोर्स, आई मीन स्पेशियस हैड टू बी। एंड यहाँ पे हमको रूम दिया था लगेज रखने के लिए, फ़ोन्स भी हमारे यहाँ पे डिपॉजिट हो गए थे, बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए, लेकिन दिस इज़ दीज आर द रूम्स जहाँ पे आप रुकते हैं जब आप स्क्रीन इन हो जाते हैं। एंड दिस इज़ ऑल द पीपल, ऑल द लेडीज़। और अब आपको थोड़ी भोपाल की सैर करा देते हैं। मेरा क्या हुआ आई विल टेल यू इन द एंड, सो बने रहें। तो भोपाल, अभी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है, जिस भी सिटी में आपका होगा तो आपको उस सिटी के बारे में पता होना चाहिए। आप भोपाल जा रहे हैं, चाहे इलाहाबाद आपका सेंटर आया है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस सिटी, आपके घूमने के क्या प्लान्स हैं, कि आप चाहे रिकमेंड हो चाहे ना हो, उसके बाद आप घूमने कहाँ जा रहे हैं, तो उस सिटी के बारे में जान लें। तो भोपाल के बारे में बता देती हूँ, भोपाल को लेक्स का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, झीलों का शहर भी कहा जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेक्स, इसको बड़ा लेक कहते हैं, बड़ा झील या बड़ा ताल कहते हैं इसको। एक छोटी झील है, एक बड़ी झील है। और साथ ही, तो अगर आपसे पूछे कि आप घूमने कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, तो आप कह सकते हैं कि लेक्स जाने वाले हैं। साथ ही MP में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, भोपाल में एक वन विहार है। हम तो नहीं जा पाए थे क्योंकि उतना टाइम नहीं था, हमारी ट्रेन थी, तो वी डिसाइडेड टू गो टू अ टेम्पल, वेरी फेमस शिवा का टेम्पल है, भोजपुर टेम्पल, वेरी फेमस अगेन। और तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो टेम्पल जो है, जैसा नाम बताता है, वो बनवाया था किंग भोज ने, दैट्स वाई भोजपुर टेम्पल शिवा को डेडिकेटेड है। और कहा जाता है कि कंप्लीट नहीं हो पाया था उसका कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू सम रीजंस उसका कंस्ट्रक्शन रुक गया था। और दिस इज़ द टेम्पल वी हैव रीच्ड, वेरी स्पेशियस, बहुत बड़ा टेम्पल था, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले जब बना था तो कंप्लीट नहीं हो पाया था। दिस इज़ द टेम्पल, एंड बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, वेरी 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 पॉजिटिव वाइब। आई थिंक एनी रिलीजियस प्लेस यू गो टू, अगर आप उसमें मानते हैं, इट डज़ गिव यू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। एंड दिस इज़ दी मेन, जिसको गर्भगृह बोलते हैं, सेंक्टम सेंक्टोरम हिंदी में गर्भगृह बोलते हैं, जहाँ पे मेन डेटी की जो श्राइन होती है वो रखी जाती है, क्योंकि ये शिव मंदिर है। तो यहाँ पे शिवलिंग है, बहुत बड़ी शिवलिंग है यहाँ पे। आई फेल्ट अ वेरी पॉजिटिव, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ऑफ कोर्स शिवा की एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू फील दैट इन द टेम्पल। एंड दिस इज़ इट, दिस इज़ द टेम्पल, दिस इज़ द शिवलिंग, वेरी ह्यूज कार्विंग्स, बहुत ब्यूटीफुल थी। उसके बाद हम आए वापस, भोपाल दिखा देते हैं। ऑफकोर्स भोपाल इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया, एज यू कैन सी, और वन ऑफ द क्लीनेस्ट, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट। ऑल्सो द भोपाल स्टेशन वॉज़ वेरी
वेरी क्लीन, जो आप क्लीन वेरी जो आप नहीं देखते हैं नॉर्मली स्टेशन को, उतना क्लीन था। बाकी भोपाल के बारे में ये सुन लीजिए, भोपाल नहीं एसएसबी के बारे में, जो भी लोग एसएसबी देने जा रहे हैं, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, आपका नॉलेज बेस कम हो सकता है, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं हो सकती है, बट कॉन्फिडेंस इज़ द की। यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड यू नीड टू बी वेरी एक्सेप्टिंग टू योर सेल्फ। सो बी ऑनेस्ट, बी ब्रूटली ऑनेस्ट, बाकी उतना नॉलेज एंड ऑल वो सब मैटर हो। अब बताती हूँ कि मेरा क्या हुआ। सो आई गॉट स्क्रीन्ड आउट, येस आई डिड, बट दैट वॉज कम्प्लीटली फाइन। माई स्क्रीनिंग आउट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सिटी। यू नो यू शुड लर्न टू एम्ब्रेस योर फेलियर्स, यू शुड होल्ड योर फेलियर्स विद एज मच प्राइड एज यू होल्ड योर सक्सेस विद। सो आई एम वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट एस एस बी, 2-3 महीने में आ जाएगा। सो यू शुड नेवर स्टॉप फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स। अभी एक जगह नहीं हो रहा, दैट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट गुड इनफ, इट्स जस्ट दैट समटाइम्स थिंग्स आर जस्ट नॉट मेंट टू बी। तो जो लोग एस एस बी देने जा रहे हैं उनको ऑल द बेस्ट। बाकी डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, यू नो द ड्रिल्स, जस्ट डू डू इट एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। बहुत अमेजिंग कॉन्टेंट है जो आने वाला है। टिल देन, गुड, बाय बाय।